लोगों ने काफी पेड लोन एप्लीकेशन देखी है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए, लेकिन आज आपके लिए एक ऐसी पेड लोन एप्लीकेशन लेके आए हैं जो सिर्फ मुंबई के अंदर लोन प्रोवाइड करेगी। अब मुंबई के कौन कौन से सिटी में मिलेगा ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मैं वहां रहता नहीं हूँ और मेरा रेसिडेंट एड्रेस भी दिल्ली है, तो मैं दिल्ली के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लेकिन अब मुंबई के बारे में थोड़ा बहुत जो है, हो सकता है कि मेरे से इन्फॉर्मेशन छूट जाए, लेकिन अगर ज्यादा पता होगा आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। अब ये भाई जो शॉर्ट टर्म लोन होता है कैसे देते हैं, देखिए आपके सैलरी के अकॉर्डिंग देते हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर सिविल स्कोर, ये क्लियर है कि आपके सिविल स्कोर का कोई मैटर नहीं करता है इन चीजों में। चाहे किसी भी पेड लोन में आप अप्लाई कर लो, 0 भी सिविल होगा, 600 भी होगा, 500 भी होगा, 400 भी होगा, तो भी मिल जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सैलरी इनकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब देखिए, कई कई में 30,000 रुपये सैलरी हो जाती है, मतलब दिखाते हैं ना लिस्ट में, यहाँ पर लिखा तो नहीं है हालांकि कि कितनी सैलरी यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, जिसके साथ कहीं मेंशन हो तो मैं आपको शो कर दूँ। नहीं, कहीं नहीं लिखा है। देखिए, आप पकड़ के चलिए, मोटा मोटा पकड़ के भाई 35 से 40 हज़ार रुपये के रेंज में आपकी सैलरी होनी चाहिए, मिनिमम 35,000 रुपये, मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो। अब शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा आपको, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ उन्होंने कह दिया भाई 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी ज़्यादा लिया जाता है। अब जो लोग भाई, जो हमारे सब्सक्राइबर मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मुंबई में बहुत सारी सिटियाँ पड़ती हैं जिसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मुंबई से हो तो आपको जरूर याद होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना फुल नेम देना है, दिस इज द मिडल सॉरी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिल्कुल राइट देनी है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पे, सिटी नेम, और इसके बाद यहाँ पे कंपनी प्राइवेट है या सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो डालना है, सैलरी कौन से बैंक में आपके क्रेडिट होती है, ठीक है। जैसे कि अभी कैश और चेक में आपको नहीं सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली बैंक सेलेक्ट करना है, और सैलरी बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक अकाउंट आपका है वो सैलरी अकाउंट है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना। लाइक फॉर डेमो के लिए मैं कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपनी टाइप, तो अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, लिमिटेड है तो लिमिटेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मेरा प्राइवेट लिमिटेड है, हालांकि मुझे नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ये पूछ रहे हैं हमसे सिविल स्कोर कितना है आपका, ठीक है, 700 से नीचे है या 700 से ऊपर है, ठीक है, मंथली सैलरी कितनी है आपकी, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। लोन अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, इसका 50% आपको लोन मिलेगा, 40 या 45% लोन मिलेगा। लाइक अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है या 35,000 रुपये, तो आपको 15 से लेकर 16,000 या फिर 17,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा कि किस रीजन से आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा कि मेरी सैलरी इतनी डेट को आती है, मुझे अभी नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा जो है कमेंट कर दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। हालांकि 1 से 1.5 घंटे के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा और व्हाट्सएप पे आप पे सारे डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे। इस एप्लीकेशन का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका कोई APK नहीं है, लेकिन जो इस अब कंपनी का लिंक है वो मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म लोन है, पेडे लोन है, सैलरी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर सैलरी नहीं आती आपके बैंक खाते में तो भैया आपको लोन नहीं मिलने वाला, चाहे आप यहाँ पे कितनी भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सैलरी चाहिए ही चाहिए, बैंक स्टेटमेंट और 3 मंथ का सैलरी स्लिप, ये चीज़ें लगेगी। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो ऑलमोस्ट यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।